नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पाइथन की मदद से आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और डायरेक्टरी भी हम बोल सकते हैं, सब डायरेक्टरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन पाइथन और इन कंप्यूटर लैंग्वेज सेंस भी से डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट। सो I'm going to take you guys through this thing. So let's start with this, guys. So we will start with the simple function first of all, which is import OS. क्यों import करना है OS function को? क्योंकि guys हम folder कहाँ पे create कर रहे हैं? Operating system में create कर रहे हैं, और वो operating system हमारे computer में, हमारी machine में। तो इसलिए guys हमें external function का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि import OS से start होता है। ये इंपोर्ट हो गया, और सेकंड आपका रहता है स्टेप दोस्तों पाथ को डिफाइन करना। तो आपको पाथ डिफाइन करना होता है कि आपका कहाँ पे है वो, कहाँ पे आप बनाना चाहते हो फोल्डर, या कहाँ पे आप रखना चाहते हो वो पाथ। अगर आपको पता है तो आप तो वैसे डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और बैक स्लैश करके मैंने सेव करके रखा है वो experiments.py, उसके नीचे है मेरा दूसरा पाथ, वो है सुनीलेक्स करके। ये दोस्तों मैं मेरा पाथ है जो कि मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं है इसके कोई डरने की कुछ ये बात नहीं है कि भाई कितना बार क्या चीज़ है ये, तो आपको डायरेक्टली जहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो आप मैनुअली जा सकते हो, और आप वहाँ पे देख उसका जो 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 पाथ है वो आप देख सकते हो कि क्या पाथ है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। सो दोस्तों ये मैंने पाथ अभी अपना पाथ जो है डिफाइन कर लिया है। तो अभी देखियो, अभी मैंने जो है अभी ये मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, तो रिजल्ट्स में कोई एरर नहीं है, मतलब ये चीज़ हो चुकी है, ये सही है। तो अब दोस्तों थर्ड स्टेप जो रहता है वो आपका रहता है chdir, विच मीन चेन डायरेक्टरी। आपको अपना प्रेजेंट डायरेक्टरी बताना होता है किस चीज़ के लिए, आप जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो वहाँ को आप प्रेजेंट डायरेक्टरी बताओ। जैसे मेरा प्रेजेंट डायरेक्टरी मुझे बताना है ये जो है ये मुझे बताना है प्रेजेंट डायरेक्टरी है। तो ये प्रेजेंट डायरेक्टरी किसके बराबर है? पाथ है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे गाइस चेंज डायरेक्टरी टू पाथ, इसको मैंने प्रेजेंट डायरेक्टरी बना दिया। अब चेन डायरेक्टरी की पाथ गाइस अभी हो चुका है, अब आगे देखते हैं एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को कि ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे मैंने os.chdir किया तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है? सिस्टम के नाम फाइंड स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स py sunilecs, यस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे मेरा डॉट था, मेरा वेरिएबल का नाम डॉट से है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नाम डॉट से है, पर मैं डॉट की बजाय स्लैश लगा लिया। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर को मेरा प्रोग्राम समझ नहीं आया। तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर आपका सिंटेक्स ख़राब है और आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए, अब मुझे ये फिर से मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाएगा वो प्रॉब्लम, कैसे वी कैन डिफीट दैट प्रॉब्लम, हाउ वी कैन डिफीट इट। सो गाइस देखिए, अब वो सेम चीज़ से मैं जा रहा हूँ, ये मैंने इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, सी डायरेक्ट्री में जाके मेरा डेटा है किसके नाम से स्टोर, एक्सपेरिमेंट्स डॉट, यस दिस वॉज द प्रॉब्लम, डॉट py के नाम से मेरा डेटा सेव है, और उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है भाई सुनीलेक्स के नाम से दूसरा फोल्डर है। अब सुनीलेक्स के अंदर मुझे बनाना है, तो ये मेरा पाथ हो गया डिफाइन। ओके, पाथ डिफाइन हो गया। अब देखिए, अब करते हैं जरा ओएस को कॉल करते हैं, ये पाथ मेरे को डिफाइन हो गया, और वहां पे चेन डायरेक्टरी करना है। पाथ के बाद क्या करना है? चेन डायरेक्टरी करना है। os.chdir चेन डायरेक्टरी कर दिया, किसके लिए चेन डायरेक्टरी करना है? अब करना है path पाथ के लिए, ये डाल दिया पाथ गाइज। अब देखिए, अब वो प्रॉब्लम नहीं आई है जो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई थी। इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के टाइम पे ये एरर आया था। एरर क्या आया था? सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ये बता रहा है स्पेसिफिक ये चीज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा।
तो इसीलिए हम हमें वही चीज बतानी होगी जो करेक्ट है। सिंटेक्स का ध्यान रखिए और वेरिएबल को डिफाइन करने का ध्यान रखिए अच्छे से। सो ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अभी हमने डायरेक्टरी चेंज कर ली, मतलब अपना घर चेंज कर दिया। अब घर में हमने क्या बनाना है, कौन सी बिल्डिंग बनानी है, दूसरी बिल्डिंग बनानी है। पहली पहली हो चुकी है, मान लीजिए ये डिफाइनिंग है, ये डिफाइन कर लिया हमने, तो ये पहली बिल्डिंग हमने बना दी। अभी दूसरी, उसके अंदर दूसरी बनानी है, तो दूसरी बिल्डिंग का नाम दे दिया हमने, मान के चलो। अच्छा, दूसरी में से मान के चलो न्यू फोल्डर नाम दे दो, न्यू फोल्डर ये नाम दे दिया आपका। ओके, न्यू फोल्डर आपने नाम दे दिया, इक्वल टू इसका नाम क्या रखा आपने, इसका नाम रखा आपने दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग BUILDING, दूसरी बिल्डिंग आपने इसका नाम रखा, ठीक है। ये आपने डिफाइन किया फोल्डर टू। अब फोल्डर टू को क्या करना होगा, आपको फोल्डर टू को मेक करना होगा। ऐसे काम नहीं करेगा, फोल्डर टू को मेक करना होगा। कैसे करेंगे, OS फंक्शन को कॉल करके मेक DIRS, मेक डायरेक्टरी का यूज करके अंदर जाके, कौन सा फोल्डर है, वो न्यू फोल्डर है। जी हाँ, ये है न्यू फोल्डर, तो आपने लिखा यहाँ पे न्यू फोल्डर। अब आपने कर दिया बंद और आपने कर दिया एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, तो डेफिनेटली गाइज ये दूसरी बिल्डिंग हमारी बन चुकी है इस टाइम पे। डेफिनेटली इस टाइम पे ये दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है, आपको देखना है, चलिए दिखाते हैं एक मिनट। ये देखिए, ये मेरा फोल्डर है, तो आप देख सकते हैं दूसरी बिल्डिंग हमारी बन चुकी है। दूसरी बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट PY सुनील एक्स के अंदर हमारा दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे करते हैं प्रोग्राम को, आगे रन करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे, ये हमारा पहला हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सब फोल्डर बनाना है, सब फोल्डर बनाना है, तो पाथ हमें दूसरा देना होगा। तो हमने क्या किया, पाथ टू, पाथ दूसरे पाथ को पाथ दो नाम दे दिया, क्योंकि अगर सेम होगा तो भैया चेंज, ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कंप्यूटर की, पहले तो तुमने बना लिया है, फिर से क्यों बना रहा है, क्या चक्कर है तेरा, ये सब कुछ बताएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पार्ट टू को पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। पार्ट टू जैसे एक पेज से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि वो मतलब उतना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया और मैं किसी तरह से रिप्रेजेंट ना कर पाया, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्ट टू जो है गाइस पाथ के बराबर होता है, ठीक है, पाथ के बराबर होता है और न्यू फोल्डर के बराबर होता है, इन दो के बराबर होता है, इन दो के अंदर में ही बनेगा ना वो, तो हाँ, तो पाथ टू ये एक तीसरा फोल्डर है, मतलब सब फोल्डर है, वो किसके अंदर है, वो है आपके पाथ के, ओके, पाथ के अंदर है, और प्लस आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है सर न्यू फोल्डर, आपका न्यू फोल्डर के अंदर है ये, जी हाँ, ये न्यू फोल्डर के अंदर है, ये आपको बंद कर दिया। अब सर, अब आपको जैसे आप यहाँ पे मारते हैं, एंटर मारते हैं, तो आपको जो है नीचे क्या बताना होता है, पाथ तो चेंज हो गया, पाथ तो आपको चेंज हो गया, पहुँच गए उस डायरेक्ट जगह पे पहुँच गए। अब मेन काम क्या है आपका, बनाना, क्या बनाना, फोल्डर बनाना भैया। तो आपको क्या करना है, अब नया फोल्डर यहाँ पे बनाना है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा न्यू फोल्डर, पहला तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने इसको चेंज सिर्फ नाम चेंज किया, मतलब कि अगर सेम रखेंगे तो सेम तो भैया पहचान पाएगा, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा पहले बनाया था फिर से क्यों बना रहे हो भाई, क्या चक्कर है तुम्हारा। तो सिंपली गाइस वही चीज़ के लिए हमें कंफ्यूज नहीं करना है कंप्यूटर को, हमें क्या बताना है कि ये दूसरा चीज़ है, कुछ और चीज़ बना तू भाई, सेम चीज़ क्यों कर रहा है तू, क्या फ़ायदा है सेम चीज़ करके। तो ये हो गया न्यू फोल्डर टू, ये न्यू फोल्डर टू बनाया। अब न्यू फोल्डर टू में हमने क्या डालना है भैया, हमने डालना है तीसरी बिल्डिंग। तो हमने क्या कर दिया, न्यू फोल्डर टू को सिंटेक्स के अंदर डाल दिया, यहाँ पे लिखा तीसरी VUILDING, ये लिखा, हाँ ये लिखा। पाथ को यहाँ पे पहले डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने पाथ को डिफाइन किया, नहीं नहीं यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया दोस्तों, जो देखिए अब यहाँ पे मैं पाथ को चेंज करना भूल गया, हाँ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो यूज़ करना था os.chdir चेंज डायरेक्टरी, मतलब चेंज पाथ किसने करना है, आपको पाथ चेंज पाथ करना है पाथ टू में, हाँ चेंज डायरेक्टरी टू पाथ टू। अब न्यू फोल्डर को अब जाके यहाँ पे देखिए, नेम टू पाथ इज नॉट डिफाइंड, अब पाथ टू इज नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है पाथ टू आपका डिफाइन नहीं है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसको डिफाइन, उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे फिर से इसको यूज करके, देखिए ये हो गया आपका, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे देखना चाहिए यहाँ पे, ये एंटर किया, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके, ठीक
अब देखिए ये पाथ टू डिफाइन हो गया है, पाथ टू डिफाइन हो गया है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है चेंज, चेंज करना है, क्या करना है चेंज, चेंज करना है सी एच डी आई आर चेन डायरेक्टरी टू पाथ टू के लिए। जी हाँ, चेन डायरेक्टरी टू पाथ, इसमें फिर से वही एरर आ रहा है, बता रहा है कि पाथ टू में ये डिफाइन नहीं किया गया है आपका, ये डिफाइन नहीं है, ये पाथ टू में डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये आपका पाथ का पी बड़ा है और ये पाथ का भी पी बड़ा है और ऊपर का पी छोटा है, इसलिए पाथ का, हाँ अब देखिए ये छोटे और बड़े से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे पाथ का पी मैंने छोटा किया इसीलिए ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोल रहा है इट्स नॉट डिफाइन। तो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए दोस्तों पाथ, ठीक है फिर से देखिए, पाथ टू इक्वल टू, ठीक है पाथ टू इक्वल टू पाथ है, ये तो पाथ है भैया, और किससे मेड अप है, और है ये हो गया बैक स्लैश सेपरेट कर दिया, प्लस कर दिया, और अब है आपका न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर से भी बना हुआ है, जी हाँ ये बना हुआ है न्यू फोल्डर से, जी हाँ ये हो गया आपका पाथ, कौन सा पाथ है ये, पाथ टू है, ये डिफाइन किया मैंने पाथ टू, जी हाँ मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है। अब फिर से एक बार मैं वही चीज़ डालता हूँ ओएस फंक्शन का यूज़ करके, पी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एच पी आई आर चेन डायरेक्टरी, ठीक चेन डायरेक्टरी क्या है, चेन डायरेक्टरी होगी, जी हाँ ये होगी चेन डायरेक्टरी। अब चेन डायरेक्टरी में अंदर जाके देखिए किस पे डालना है, पी बड़ा है तो छोटा मत डालना, पी यहाँ पे बड़ा है और इसीलिए इस बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया तो मतलब कोई रिजल्ट में कोई एरर नहीं आया रेड कलर का, तो एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो हाँ देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से तीन इतना सारा प्रॉब्लम आ गया, मैं इतना मेरा इतना टाइम चला गया, तो एक सिर्फ कैपिटल पी का ना करने से इतना सारा प्रॉब्लम आया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही ना हो पाया। तो आगे चलते हैं, अब हमने डायरेक्टरी तो चेंज कर दी, अब उस डायरेक्टरी में हमें क्या करना है, हमने बनाना है जैसे कि मैंने बताया था न्यू फोल्डर, यस न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर अगर हम सेम बनाएंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। ये न्यू फोल्डर आएगा, न्यू फोल्डर जो है आपका, अब न्यू फोल्डर जो है वो क्या है, न्यू फोल्डर क्या चीज़ है, वो न्यू फोल्डर है आपका भैया तीसरी बिल्डिंग, न्यू फोल्डर इक्वल टू ये है तीसरी BUILDING, जी हाँ तीसरी बिल्डिंग, ये है आपका नया फोल्डर। अब आपने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये पहले, उससे पहले आपको मेक फोल्डर का मेक डायरेक्ट यस ये आ गया, ये आ गया, इसका यूज़ करना होगा तब जाके आपका ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज आपका फंक्शन काम नहीं करेगा और आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आ गया आपका न्यू फोल्डर अंडरस्कोर टू, जी हाँ मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया और मुझे आउटपुट में कोई भी एरर यहाँ पे नहीं मिल पाया। तो आपको अगर देखना है कि ये एक तो मेरी ये है जो कि मैंने सब फोल्डर बनाया था, एक ये है दूसरी बिल्डिंग जो कि मैंने आपका फोल्डर मेन फोल्डर बनाया था, देखते हैं अगर बना कि नहीं इसका रिजल्ट देखने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने OS की ओर, तो ये आया दोस्तों OS, आप देख सकते हैं ये सुनील है, सुनील एक्स है, सुनील एक्स के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है विच इज़ द मेन फोल्डर। अब दूसरी बिल्डिंग के अंदर दोस्तों देखते हैं, यस तीसरी बिल्डिंग भी बन चुकी है दोस्तों। तो ये सारे आपके हो चुका, सारा काम आपका हो चुका है, तीसरी मतलब मेरे बोलने का मतलब है आपका सारा काम हो चुका, होने का बोलने का मतलब है कि आपका फोल्डर भी क्रिएट हो गया, आपका सब फोल्डर भी क्रिएट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे किया जाता है फॉर्मेशन फोल्डर सब फोल्डर का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी सकता हूँ। अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट तो मैं से करते हैं कि सर प्लीज़ या भाई एक बार थोड़ा कर दे भाई, ऐसा थोड़ा और पढ़ा दे या कुछ सिंटेक्स के बारे में बता दे या इंडेंटेशन के एरर के बारे में बता दे या कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी फंक्शन के बारे में जानना है या
या कुछ भी जानना है दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कुछ भी, मतलब अगर आपको लगे कि भाई मेरी वीडियो जो है कुछ सेंस कर रही है, अगर आपको लगा कि कोई भी फ़ायदा किया है, तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट में प्लीज़ एक बार बता दो, ताकि मैं भी थोड़ा इंस्पायर हो जाऊँ, मोटिवेट हो जाऊँ अच्छी वीडियो बनाने के लिए फ्यूचर में। हालांकि मैंने आज से पहले कभी वीडियो बनाई नहीं है, ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, और मैं सोचा यार कुछ करते हैं, कुछ थोड़ा अलग करते हैं, जो इतना ज्ञान मेरे पास है, मेरे जैसे मैं गाइज मैं सच में बताऊँ, मैं आई एम एवरेज पर्सन, सो मेरे लेवल के बहुत सारे लोग हैं गाइज, बहुत सारे एवरेज लोग हैं, तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि सारे एवरेज ना रहें यार, कहीं मतलब सीख जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो बस यही मेरी एक फीलिंग है कि मैं अपने साथ, अपने देश और पूरे जो भी है मेरे लेबल के लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, बस मैं अपने उनको अपने साथ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज। आई होप गाइज आई हैव सॉल्व यू सम ऑफ द प्रॉब्लम, योर सम ऑफ द प्रॉब्लम। सो इफ इट इज़ सो, प्लीज़ गाइज प्लीज़ मेक अ कमेंट एंड प्लीज़ सॉरी मेक अ कमेंट एंड प्लीज़ लेट मी नो कैसा है, क्या गया, अगर कुछ ज़्यादा कुछ कम भी कर रहे हैं कोई फीडबैक भाई मेरे लिए, अगर कि भाई तेरा बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, या कुछ ज़्यादा बोलता है तू, या कुछ कम बोलता है, या कुछ डिस्क्रिप्टिव अच्छे से नहीं है, या कुछ भी गाइज प्लीज़ डू कमेंट मी एट वंस, सो दैट आई विल बी मेकिंग माई सेल्फ ऑल्सो बेटर एंड मेकिंग सोसाइटी ऑल्सो बेटर, बिकॉज आई विल बी अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी वट इज़ देयर नीड, सो अकॉर्डिंगली आई विल बी फॉर देम आई विल बी वॉकिंग, फॉर यू पीपल आई विल बी वॉकिंग डेफिनेटली गाइज। सो ओके गाइज यू विल आई होप टू सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, आई होप आई कैन मेक इट, इफ नॉट गाइज आई एम रियली सॉरी, सो ओके सो विल सी आई बट आई विल नॉट स्टॉप माई ट्राइंग, आई विल कीप ऑन ट्राइंग। ओके गाइज यू बाई।